रजत ने चाहे जो करा हो पहले पास्ट लाइफ, चाहे अच्छा करा हो चाहे बुरा करा हो। एलिशा तो सपोर्ट में आए हैं रजत दलाल के। जी हाँ गाइस, आप सभी लोगों को पता होगा बिग बॉस 18 के अंदर क्या चल रहा है। अभी बिग बॉस 18 के अंदर रजत दलाल के ऊपर काफी सारे एलिगेशन लगे हैं, उसके कारण कुछ लोग उस क्लिप को सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं और रजत दलाल को काफी ज्यादा हेट दे रहे हैं और उनको गलत साबित कर रहे हैं। इस मैटर के ऊपर रजत दलाल को एलवी साधु ने पूरा सपोर्ट किया है, उनको लेकर अपने व्लॉग वीडियो के अंदर कुछ ये कहा है, आप देख लीजिए। पहले पास्ट लाइफ चाहे अच्छा करा हो चाहे बुरा करा हो, वो चीजें साइड में करते हैं। इस टाइम ही इज इन बिग बॉस और वहां पे जो टास्क चल रहा था, एक टाइम पे थोड़े टाइम बाद आपको एक लड़की उस पर एलिगेशन लगाती दिख रही है कि यहाँ टच कर दिया आपने मेरे, वहां टच कर दिया, ये क्यों करा, या आपने मेरे को पकड़ा कैसे, ये करा वो करा, इट्स सो रॉन्ग भाई। और उससे पहले खुद ही कह रही है मैं तो वो वाला कार्ड प्ले करूंगी, वुमेन कार्ड प्ले करूंगी मैं तो, क्यों यहाँ कैसे टच किया वहां कैसे टच किया, मतलब जीतने के लिए। चलो जीत लो यार, जीत लो, जीत हार अलग चीज है, जीतने के लिए आप किसी को बदनाम कर रहे हो, वो भी ऐसा वैसा बदनाम नहीं कि भाई ने चुरा लिया वो चुरा लिया। इतना बड़ा इल्जाम होता है लड़की छेड़ने का, उसने जो कार्ड खेला कि मैं लड़की हूं, लड़की का नाम लेके, दैट इज रॉन्ग। बहुत लोगों ने जज कर लिया, मैंने देखे ट्वीट पे, ये तो देखो अभी असली रूप आ गया ना इसका सामने रजत का, ये तो लड़की छेड़ता। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार ये लोग जानबूझ के करते हैं, अपनी लड़की को डिफेंड करना चाह रहे हैं, किस कॉस्ट पे, किस कॉस्ट पे किसी एक इंसान को बदनाम करके, जो चीज उसने करी नहीं है। मैं रजत को पर्सनली भी जानता हूं, ऐसा तो वो बिल्कुल नहीं करेगा अपनी लाइफ में, ना उसने कभी करा ना वो कर सकता। उस भाई की अपनी कमिटमेंट्स हैं, अपनी जगह है जहां पे वो बहुत लॉयल है और उसमें कोई शक नहीं है। मैं बैठा हूं उसके साथ उठाऊं, मैं इतना इंसान को मैं पहचान लेता हूं कि भाई साहब कौन सही है कौन गलत है, किन चीजों में कौन सही है कौन गलत है। तो मेरा बस इतना सा है कि भाई साहब सिर्फ एक छोटे से पार्ट देख के, कहीं छोटी क्लिप काट के चला दी, उसके बेसिस पे डोंट मेक एनी जजमेंट्स और प्लीज किसी का नाम खराब मत करो, चाहे वो लड़का हुआ चाहे लड़की हुआ, कुछ भी हुआ भाई, किसी का नाम बेफालतू में खराब मत करो। वो बड़े शो है यार, पूरे इतने लोग देखते हैं, किसी के दिमाग में बार छवि बनी रहेगी ना कि भाई लड़की छेड़ता, बहुत बड़ा इल्जाम होता है यार। अब तुम जो देख रहे हो, मान लो तुम पे कोई इल्जाम लगा दे तुमने कुछ करा नहीं, भाई साहब कितनी बड़ी बात हो जाएगी, मतलब क्या ही बताऊं, नैरेटिव सेट हो जाता है इंसान के खिलाफ। क्या ध्रुव राठी डरते हैं लॉरेंस बिश्नोई से? जी गाइस, आप सभी लोगों को पता होगा ध्रुव राठी हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ध्रुव राठी लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर वीडियो नहीं बनाए हैं, वो चाहते हैं एक वीडियो ध्रुव राठी लॉरेंस बिश्नोई के अगेंस्ट में बनाए। इसकी वजह से काफी जने उनको ट्विटर पर ट्रोल कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ध्रुव राठी डरता है लॉरेंस बिश्नोई से, इसीलिए वो वीडियो नहीं बनाता, उसके अंदर हिम्मत नहीं है, वरना लॉरेंस बिश्नोई भी उनको थ्रेट दे देंगे। इस तरीके के कई सारे कॉमेंट किए हैं लोगों ने। फाइनली ध्रुव राठी का वीडियो आ चुका है लॉरेंस बिश्नोई के अगेंस्ट में। उस वीडियो के अंदर वो बताते हैं कि जो लोग मूवीज और वेब सीरीज के अंदर देखकर सोचते हैं कि मैं भी गैंगस्टर बनूंगा और गैंगस्टर लाइफ कूल होती है, वैसा कुछ भी नहीं होता। गैंगस्टर की लाइफ बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और हमेशा उनको छुप कर रहना पड़ता है या फिर जेल के अंदर रहना पड़ता है। ऑल्सो हमेशा उनको मारे जाने का डर रहता है, जेल में हो या बाहर हो। उसके बाद बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हुए ध्रुव राठी के बारे में ये सारे कमेंट किए, आप खुद देख लीजिए।